नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हेल्दी स्किन टच में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी होममेड रेमेडी जिसके एक बार यूज करने से ही आपके शरीर का सारा कालापन दूर हो जाएगा और आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। आप इस रेमेडी को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने किसी भी बॉडी के पार्ट में यूज कर सकते हैं, हाथ पर, पैर पर, कमर पे, प्राइवेट पार्ट पे, अंडर आर्म्स में, फेस पर, आपका जहां मन करे आप इसको यूज कर सकते हैं और मिनटों में अपने शरीर की गंदगी को साफ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और साथ में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 चम्मच कॉफ़ी लेनी है और इसमें आपको शुगर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास बारीक शुगर है यानी कि चीनी है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटी शुगर है तो उसका एक थोड़ा सा फाइन पाउडर बना लीजिएगा मिक्सी ग्राइंडर की मदद से और आप इसमें यूज़ कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है और 2 चम्मच ही शुगर लेनी है। कॉफ़ी पाउडर आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, इंस्टेंट आपकी स्किन पर ग्लो लेके आएगा और जो ये शुगर है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करेगा। इन दोनों को अच्छे से मिलाइएगा। इसके बाद आपको नंबर 3 पर यहाँ पे आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 चम्मच कोकोनट ऑयल का यूज़ करना है जिससे कि ये स्क्रब बन करके तैयार हो जाए। अब आपको इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। जब आप इनको मिक्स करोगे ना तो इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आएगी कि आपका मन करेगा कि इसको मैं खा जाऊँ, लेकिन खाना नहीं है, इसको हमें अपने बॉडी पर अप्लाई करना है। आप इसे 3 से 4 डेज किसी भी एयर का टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप नहाने जाएं उसके 5 मिनट पहले आपको इसकी अच्छे से मसाज करनी है। जहाँ पर भी आपका टैनिंग एरिया है, यानी कि आपके हाथों पे टैनिंग हो रखी है, पैरों पे कालापन आ गया है, गर्दन पे आ गया है या फिर शरीर के किसी भी पार्ट में आ चुका है, आप इसे अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपको सर्कुलर मोशन में जो है इसको अप्लाई करना है, इसको अपने हाथ पैरों पे या फेस पे रब करना है। अब नंबर 2 पे आती है पैक की बारी। इस पैक को बनाने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, पहले आपको स्क्रब यूज़ करना है, उसके बाद आपको ये पैक यूज़ करना है। अगर आप पैक यूज़ ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पैक बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2 चम्मच बेसन लेना है और साथ में 1 चम्मच आपको यहाँ पर सैंडलवुड पाउडर ऐड कर देना है, यानी कि चंदन का पाउडर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है 1 चम्मच। और पेस्ट बनाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कच्चा दूध लेना है। इन तीनों का आपको अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाना है। लेकिन आपको एक बात हम बता दें कि पहले आपको ये स्क्रब यूज़ करना है अपनी बॉडी के बाहर ऊपर और उसके बाद ही आपको ये पैक यूज़ करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंट दिखाई देगा, आपके शरीर की टैनिंग है वो इंस्टेंट रिमूव होगी। अगर आपके फेस पे या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है, टैनिंग है, जैसे कि लाइक आपका अंडर आर्म या फिर प्राइवेट पार्ट, तो आपको इसको हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर अप्लाई करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर का कालापन या फिर प्राइवेट पार्ट का कालापन दूर हो गया है। इस पैक को लड़के या फिर लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकती हैं, किसी भी एज में कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल से ऊपर है तो आप अपने बच्चे पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।